टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सम कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है और ये कट प्लेन है। तो पहले हम लोग इसका साइड व्यू बनाएंगे। उसके बाद नेमिंग करेंगे ABCD और ये कटिंग प्लेन 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। फ्रंट व्यू में डैश, साइड व्यू में डबल डैश, ऐसे नेमिंग करेंगे। अभी देखो ये ट्रू लेंथ है क्योंकि टॉप व्यू में लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये डायरेक्टली ट्रू लेंथ है। वो लेके कट करो और यहाँ से रोटेट करो। उसके बाद AB ले लो और कट करो चार बार, 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या मिलेगा, ABCDA। उसको जॉइंट करो तो ये हो गया डेवलपमेंट। देखो ऐसा है स्क्वायर पिरामिड, उसको ऐसे काटा है यहां से। तो यहां पे पॉइंट देखो, ये PA डैश, PB डैश, PD डैश, PC डैश। अब ये सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा PC बराबर, ऊपर PC डैश था, यहाँ पे आएगा PA। अभी B और D नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको क्या करेंगे, साइड व्यू में लेंगे। तो ये हो गया PB डबल डैश, PD डबल डैश। तो उसको साइड व्यू से प्रोजेक्ट करेंगे और टॉप व्यू पे लाएंगे ऐसे। तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू के दो पॉइंट PB एंड PD। अभी इसको जॉइंट करो। इसको हैच करते हैं तो ये क्या मिल गया, सेक्शनल टॉप व्यू स्क्वायर पिरामिड का। वही साइड व्यू में देखते हैं, PB और PD तो मिल ही गया, ये जो मिला वो PC डबल डैश। और जो बॉटम वाला है वो PA डबल डैश। अब इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया साइड व्यू, इसको डार्क कर देते हैं। इसमें जो पीछे का लाइन रहेगा वो डॉटेड रहेगा, जो पीछे वाला जो एज है सी वाला, OC वाला जो रिमेनिंग एज है वो डॉटेड रहेगा। ये देखो ये वाला, और इसमें अभी हैच करेंगे 45 डिग्री पे। तो ये हो गया सेक्शनल साइड व्यू। अभी क्या करेंगे, ये पार्ट डार्क हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, देखो ये पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, ऐसे तीन पॉइंट मार्क कर देंगे। इतना लिया, यहाँ से रोटेट किया। बाद में यहाँ से यहाँ तक लिया और रोटेट किया। तो ये हो गया पॉइंट, ये देखो ये जो है वो सी वाला, ये बी एंड डी वाला और नीचे वाला PA। तो ये A बराबर, ये PA हो गया, ये PB, जो D पे है वो PD और जो C पे है वो PC।
अभी इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया डेवलपमेंट। अभी हमारा TSS बाकी है। TSS में क्या करते हैं, कट प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। देखो एक लाइन बना देंगे, ये लेंगे कट प्लेन और यहां पे मार्क कर देंगे। जैसा है वैसा, जिसमें जितने पॉइंट है होते हैं मार्क कर देंगे। बाद में वो सारे पॉइंट एक एक करके नीचे प्रोजेक्ट करेंगे और टॉप व्यू से पॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे। बाद में एक एक करके सारे पॉइंट्स नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए PC, PPPD एंड PM, यहाँ से ANC, तो ये हो जाएगा PA, ये B वाला पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा PB, ये PD और ये PC, ये चारों पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, TSS मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये सब सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आएगा। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।